हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग मैं तो बहुत अच्छी हूँ या <laughs> yeah, तो बस मैं आज बैठी थी तो मैंने सोचा कि ना आप लोगों के साथ अपनी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर दूँ जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बोला है कि मैं अपनी रेसिपी बताऊँगी आपको तो बस मैं बैठी थी अपने भाई से बातें कर रही थी तो उसने बोला कि तू अपनी रेसिपी शेयर तो कर <laughs> तो मैंने बोला हाँ यार मुझे वो शेयर करनी थी तो बस मैं वो शेयर कर देती हूँ तो बस भाई आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आप लोग देखो इसको बहुत एंजॉय करो और हाँ जहाँ मुझसे गलती हुई हो वहाँ मुझे बताना जहाँ मैं कुछ ऐड ऑन कर सकती हूँ वो मुझे बताना मैं भी ट्राई करूँगी ओके <laughs> okay, तब तक आप जाके इसको एंजॉय करो फिर मुझे बताओ कैसी बनी तब तक की टाटा तो पहले मैंने कुकर को गर्म कर लिया था उसके बाद मैंने इसमें डाल रही हूँ अब सरसों का तेल अच्छे से इसको गरम कर लेना है आ, और पहले इसमें अपन को एग फ्राई करना है और एग को ना उतना फ्राई करना मतलब कभी कभार होते हैं ना हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेते हैं नहीं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते फिर वो एग का जो टेस्ट आता है वो ही चेंज हो जाता है इसलिए हमें बस उसको हल्का सा हल्का सा गोल्डन करना है बस इसके सिवा नहीं और इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है कि थोड़ा कलर आ जाए इस वजह से बस इसको मैं हल्का हल्का सा बस फ्राई करूँगी हल्का हल्का सा गोल्डन करने के लिए अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं करना है बस इसके बाद मैं इतने पे निकाल रही हूँ इसको देखिए जितना ये है ना हल्का हल्का इतना सिर्फ़ ऊपर से थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाए इससे ज़्यादा मत करिए वरना ऐग का टेस्ट चेंज हो जाता है अब इसमें मैं थोड़ा और ऑयल ऐड कर रही हूँ बिरयानी के लिए आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं तो तेल हो गया है हमारा गरम अब हम इसमें डालेंगे प्याज प्याज को अच्छे से भून लेना है ब्राउन एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक एकदम अच्छे से जब तक तो फ्राई ना हो जाए और प्याज को हमें अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में लेना है मतलब ज़्यादा सी प्याज लेना है और अगर आप इसको तेल के उसमें अगर घी डालेंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा तो ये हमारी प्याज अच्छे से भुंज गई है अब हम इसमें डालेंगे अपने खड़े गरम मसाले तेज़पत्ता दालचीनी कुछ लौ, लौंग दो लौंग काली मिर्च और बड़ी इलायची छोटी इलायची इसको हम इसी स्टेज पर डालेंगे प्याज होने के बाद इसको भी हम अच्छे से फ्राई होने देंगे प्याज के साथ इसके बाद हम इसमें अपने ऐड करेंगे मसाले और मसाले में हम लोग मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हम मिर्ची, मैं मिर्ची ज़्यादा डाल रही हूँ आप लोग को जितना आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर उसके बाद थोड़ी हल्दी उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से नमक नमक डालने के बाद हमें अब इसमें डाल दी है खड़ी हरी मिर्च उसको मैंने बीच में से हाफ़ हाफ़ कट कर लिया है अब मैं मसालों के बाद उसको डाल के अच्छे से फ़्राई कर लूँगी अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा बिरयानी मसाला उसके बिना तो टेस्ट ही नहीं आएगा <laughs> तो मैं थोड़ा डाला बिरयानी मसाला ये अच्छे से फ्राई हो गया है अब हम इसमें ऐड करेंगे दही मैंने एक कटोरी दही लिया है मतलब दही से जो टेस्ट होता है थोड़ा खटास वाला वो बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में बस इसके बाद अब इसको भी अच्छे से मिक्स करके पका लेना है थोड़ा एकदम दही मसाले में एकदम मिल जाए अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्योरी वो भी मैंने एक छोटी कटोरी में लिया है इसको भी अच्छे मिक्स करके पका लेना है क्योंकि टमाटर का टेस्ट अगर कच्चा रह जाए तो बहुत गंदा लगता है मतलब कच्चे टमाटर का टेस्ट बहुत बेकार लगता है ऐसे में सब्ज़ी वगैरह में तो इसको भी अच्छे से पका लिया है देखिए तेल वगैरह एकदम अलग अलग हो गया है तो अब मतलब मसाला हमारा पक गया है मतलब मैं तो इसी टाइप से बनाती हूँ बिरयानी मुझे ऐसी अच्छी लगती है अगर आप लोग किसी और तरीके से बनाते हैं तो आप लोग भी मुझे बताना कि आप कैसे बनाते हैं तो मैं भी वो ट्राई करूँगी बस फिर इसके बाद मैंने इसमें अंडे डाल दिए हैं अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि अंडे में भी इसका थोड़ा फ़्लेवर आ जाए इसके बाद हम ऐड करेंगे चावल चावल को मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था पानी में ताकि वो थोड़े पहले से ही सॉफ़्ट हो जाएंगे क्योंकि कुकर में मैं सीटी नहीं लगाती हूँ बस चावल डाल के भी अब इसे वापस से अच्छे से मिला लें चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए इसको फुला के रखा था आप और टाइम पहले रख दें तो और अच्छा है बस अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे एकदम पानी अपने अकॉर्डिंग जितने चावल हैं उस हिसाब से डाल लें तो मेरे चावलों में पानी थोड़ा कम था इसलिए मैंने इसमें और ऐड किया पानी तो बस अब मैं से थाली से ढक रही हूँ क्योंकि सीटी नहीं लूँगी मैं अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें तो कुछ ऐसी बनी है अभी ये इसको हम अच्छे से चला देंगे एकदम जो नीचे थोड़ा बहुत लग जाता है उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे बस रेडी है हमारी बिरयानी इसको बस अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऊपर से डालेंगे और उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है अब रेडी है बिरयानी खाने के लिए <laughs> तो कुछ ऐसी बनी थी मेरी बिरयानी हम लोगों को बहुत पसंद आई बहुत टेस्टी बनी थी एकदम थाली भर भर के खाया है हम लोगों ने तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इसको और फिर मुझे बताइए कि कैसी बनी कैसी लगी आपको रेसिपी लिटरली बहुत टेस्टी बनी थी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी आप लोग बस ट्राई करो एक बार फिर मुझे बताओ कैसी बनी तो बस या इस आज के लिए ये तो इसको एंजॉय करिए बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार शेयर करो लोगों को सब्सक्राइब भड़वाओ <laughs> तो बस ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ तब तक लेटा था बाय